दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ, वही जो कल टास्क देना गया था अपना नॉमिनेशन टास्क, जिसमें किसी को सेव करना था, वही टास्क स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जब बजर बजा तो घर के अंदर उस अपना थिएटर रूम में गई रुबीना, वहाँ पूरा माहौल अच्छा था। वहाँ बुक पढ़ी थी बिग बॉस ने, बिग बॉस रुबीना ऐसा भी है, तुम्हारे पास जो किताब पढ़ी है इसका पन्ना एकदम साफ है, अब तुम इसका किसी को नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जिसको तुम सेव करना चाहते हो। कहती है ठीक है। और जितने पढ़ गया उसने बोला बिकॉज मैं तो अभिनव को सेव करना चाहती हूँ। तो भाई उसने उसकी अच्छी चीज़ जमी रही है, ये वो है, वहाँ पे अभिनव का नाम लिख के वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जब वहाँ से बाहर आती है तो थोड़ी देर बाद दोबारा दूसरा बजर बज जाता है, तो दूसरा बजर बजता है तो अभिनव जाता है अंदर। वहाँ पे अभिनव देखता है कि बिकॉज होता है ये तुम्हारा अभिनव ये नाम लिखा हुआ है भाई, तो अगर तुम चाहते हो इसी को कंटिन्यू करना तो ठीक है, नहीं तो फाड़ सकते हो। वो कह रहे नहीं बिग बॉस मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अभिनव भी लिखा हुआ, तो मैं चाहता हूँ अभिनव ही सेफ रहे, तो भैया मैं इसको नहीं फाड़ना चाहता। तो बिना फाड़े वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे बाहर जब आया था तो उसके बाद भाई अपना राहुल दिखाते हैं, राहुल और देवली ने बातें कर रहे होते हैं, इसी चक्कर प्लानिंग कर रहे थे भाई किसी का नाम लिख के आएंगे, तू इसी नंबर पे जाइयो भाई, वो फाड़ के आ जाएंगे भाई, अर्षी तो फाड़ेगी नहीं या वो नहीं करेगी, तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं भाई देवली ना और राहुल पे, देखिए भाई कैसे कैसे जाएंगे और किस तरह नाम लिख के आएंगे, अगर इसका नाम लिखा हुआ तो किसका फाड़ेंगे, इसका लिखा हुआ तो लिख के आ जाएंगे, ऐसी प्लानिंग कर रहे होते हैं। इतने बजर बजर था अगला, और अगली भी जाती है राखी सावंत। अब राखी सावंत जाती है तो देखती है वहाँ पे अभिनव का नाम लिखा हुआ है। बिग बॉस कहते हैं राखी तुम क्या करना चाहते हो, ये पेज फाड़ना चाहते हो क्या, इसी को सेव करना चाहते हो। कह रही है बिग बॉस क्या करूँ, मेरा दिल तो ये बोल रहा है, मेरा दिमाग ये बोल रहा है, बिग बॉस मैं क्या करूँ। बस वो जिसे कहते हैं कि इमोशनल सी होती है, वह रोना पिटना शुरू कर देती है। पर बिग बॉस वो लगा यही था कि ये भाई अभिनव फाड़ेगी, फिर कहते हैं नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया, जो मरेगी मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँ, तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, ये है वो है, थोड़ा राखी ड्रामे करती है। और वही कहती बिग बॉस मैं अभिनव का पेट नहीं फाड़ना चाहती, तो अभिनव अभी तक सेफ रहता है इस राउंड के अंदर। बस उसके बाद बारी आई अर्षी खान की। अर्षी खान अंदर जाती है, अर्षी खान देखती है अभिनव का नाम लिखा हुआ है, जबकि अर्षी का भी अभिनव को अर्षी का भी थोड़ा जिसे कहते हैं इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। बिग बॉस फिर पूछते हैं अर्षी का तुम क्या करना चाहते हो, इस पेट को फाड़ना चाहते हो, इसी को सेव करना चाहते हो। अर्षिया कहती है बिग बॉस अभिनव भी शुरू से अच्छा गेम खेलता आ रहा है, वो डिसेंट है, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी को भी बोलता भी तो बड़े ढंग से बोलता है, तो मैं चाहती हूँ कि अभिनव को ही सेव करूँ। तो अर्षी भी यहाँ पे अभिनव को पेड़ फाड़ के नहीं आती है। बाहर आ गई अर्षी रुबीना को बोलती है भाई ऐसा ही अपना राखी तुमने उत्साह कहते मैं तो अभिनव को नाम लिख के आई थी, कह रही राखी ने उसका नाम नहीं फाड़ा, तो भैया मैं भी वो बताती मैं भी नहीं फाड़ के आई। तो बस यहाँ पे रुबीना को थोड़ा झटका लगता है भी राखी ने रुबीना अभिनव का पेज क्यों नहीं फाड़ा। तो यहाँ पे वो तीनों डिस्कस कर होते हैं गार्डन में भी, वो कहता है अपना अभिनव कहता है उसकी प्लानिंग होगी कोई ना कोई, वो बस यही है ड्रामे है उसका भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो इस जान के कर रही है वो, तो भाई उसने जो नाम नहीं फाड़ा। तो यहाँ पे राखी भी उसका पेज फाड़ के नहीं आती है। बस अगली बार बजर बजता है तो पांचवें नंबर पहले ही बोला था राहुल वैद्य ने कि मैं जाऊँगा, तो राहुल वैद्य चले जाते हैं अंदर। राहुल वैद्य जाके देखता है बिकॉज अभी ऐसा राहुल ये सामने नाम लिखा हुआ है कि तुम चाहते हो उसे सेव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। कहता है बिग बॉस कभी भी नहीं, अभिनव को तो मैं कभी भी सेव नहीं करना चाहता। तो भाई राहुल वैद्य उसका पेज लेके फाड़ देता है, डस्टबिन में फेंक देता है। तो कह रहा है बिग बॉस कहता है ठीक है भाई, कह रहा है ओके बिग बॉस। तो राहुल वैद्य बाहर आ जाता है। अब राहुल वैद्य आगे बाहर अली गोरी से डिस्कस कर रहा होता है भाई अली ये भी देख अपना भाई रुबीना की थी, रुबीना ने नाम लिखा हुआ है इसका, और अपना ना अर्षी ने और ना ही राखी रावत ने, इन दोनों का पेज फाड़ा अभिनव का, उसको सेव कर दिया। ये पेज फाड़ा होता तो यहाँ पे ब्लैंक पेज होता मेरे सामने। वो कह रहा है भाई ये दोनों गेम खेल रही हैं, वैसे तो हमारे साइड बनती है अभी दूसरे को, और जब बारी आई तो अभिनव का पेज नहीं फाड़ा इन्होंने। कहता कोई बात नहीं, यहाँ पे राखी भी कहती है, राखी और भी अली बोलता है तुम दोनों ने गेम खेल ली, चलो कोई बात नहीं। वो कहती है नहीं हमने ऐसी नहीं वो नहीं, कह रहा कोई बात नहीं हमने कुछ कहा थोड़ा तुम्हें गेम खेली है। अर्षी कहती है ऐसे तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तो करके नहीं आई, राखी भी बोल रही थी मैं नहीं करके आई। कह रहे वो तो पता लग जाएगा भाई तुम दोनों नहीं करके आई, ये है वो है, तो थोड़ी सी बहस उनके साथ देखने को मिलती है अपना राहुल वैद्य और उसी को भी लगता है कि भाई जो ये हमारे सामने बोलती है हमारा साइड लेंगे और पीठ भी जाएगी अभिनव का साइड ले रही है, तो यहाँ पे थोड़ा झटका उन दोनों को लगता है। अब बारी आती है छवें नंबर पर जाने की, तो छवें नंबर पर सारे बोल रहे थे कौन जाएगा ये जाएगा वो जाएगा, तो भाई कोई जाने को राजी नहीं होता, दिवल तू चल रहा वो चल रहा, आर में अली गोरी चले जाता छवें नंबर पर। अली गोरी जाके देखता है अंदर, अब पेज ब्लैंक होता है पूरा। अली गोरी वहाँ पे बिग बॉस पूछते हैं अली गोरी तो भाई तुम्हारा जो मैं पेज है वो ब्लैंक है, अब तुम किसी का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जो उसको तुम सेव करना चाहते हो। कह रहा है बिग बॉस वो राहुल वहाँ पे राहुल वैद्य का नाम लिख देता है कि राहुल को सेव करने के लिए। उसके अली गोरी बाहर आ जाता है, अली गोरी कहता है भाई गेम सही है, अली गोरी बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है इस टाइम। अली गोरी इनके अर्षी ने सबके बारे में बोलता है भाई डस्टबिन के अंदर सिर्फ एक ही पेज पड़ा हुआ था, जो फटा हुआ था मैंने डस्टबिन देखा था, अब जो फटा हुआ था वो अभिनव का पेज था, जो तू राहुल वैद्य तू फाड़ गया है, इसका मतलब इन दोनों ने ये कन्फर्म हो गया कि किसी का पेज नहीं फाड़ा,
डिस्पेंस वहां से उठाकर ले जाते बिग बॉस, तो वहां पे अलग से होता। तो मीन्स इन दोनों ने किसी का पेट नहीं फाड़ा, इन दोनों ने उसको सेव किया है। वो कह रही है यही ये वो, फिर वो मतलब मानने को तैयार नहीं थी। कह रहा कोई बात नहीं भाई, अब समझ आ गई ना कौन किसकी साइड है, ये क्लियर बात हो गई यहाँ पे, अब बाकी गेम और समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो अगले बजर बजा तो देवलीना गई अंदर। अब देवलीना पहले राहुल से वैद्य से बात हो चुकी थी, भाई तू मेरा नाम हुआ तो उड़ाएगी नहीं, अगर नहीं ब्लैंक ब्लैंक हुआ वो कहती फिर मैं अली का नाम लिखूंगी। तो वहां पर राहुल वैद्य का नाम लिखा होता है। बिग बॉस पूछ लेते हैं भाई अब तुम क्या करना चाहते हो, उसको फाड़ना चाहते हो कि इसी को सेव करना चाहते हो। कह रही नहीं बिग बॉस मैं राहुल को सेव करना चाहती हूँ। तो वो राहुल का नाम फाड़ के नहीं आती है। अब एंड में बारी आती है निक्की दंपोली की, ट्विस्ट निक्की दंपोली को होता है। सारे अभिनय वगैरह बोलते हैं अब तो निक्की तू ही अभी वो है मेन पॉइंट तेरे पे या तेरे पे गई आएगी। यहाँ पे निक्की दंपोली अपना जैसे कहते हैं ना अंदर जाती है। तो बिग बॉस बोलते हैं निक्की तुम क्या चाहते हो, राहुल वैद्य का नाम लिखा हुआ है तुम फाड़ना चाहते हो कि सेव करना चाहते हो। यानी बिग बॉस ऐसा कि मैं भी मेरी उससे अच्छी बॉन्डिंग थी, ये थी वो थी, मैं सही से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर भी है उसकी साइड, ठीक है वो नहीं करता पर मैं चाहती हूँ दोस्ती करना चाहती हूँ ये है वो है। तो यहाँ पे निक्की भी तो बोले भी फ्लिप मार जाती है और राहुल वैद्य को सेव कर लेती है। तो एंड में जो नाम लिखा रहता है बुक के अंदर वो रहता है राहुल वैद्य का। बिग बॉस, बिग बॉस सबको इकट्ठा कर लेते हैं। बिग बॉस कहते हैं भाई अब जैसे कि अभी उस बुक के अंदर जो लास्ट नाम लिखा गया है वो है राहुल वैद्य का, तो राहुल वैद्य इस टास्क के अंदर सेव हो जाता है। तो अगली नॉमिनेशन में राहुल वैद्य सेव है और जो बाकी सदस्य है वो सारे सारे नॉमिनेट में आते हैं। रुबीना, अभिनव, अर्शी, राखी, अलीगोनी और देवलीना मीन्स अपना इजाज खान। तो ये बंदे सारे नॉमिनेशन के अंदर है और सिर्फ राहुल वैद्य सेवन नॉमिनेशन सेफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे अलीगोनी और बड़ा खुश होते हैं। अलीगोनी कहता है हमने तो पहले प्लान था भाई, हम नहीं तो कोई नहीं, तो भाई मेरे दोनों में से कोई होना चाहिए था, हम दोनों में से राहुल हो गया बट ठीक है। अब यहाँ पे राखी और उसको रशिकुल फिर द्वारा बोलते हैं भाई तुम्हारी गेम पूरी समझ आ गई, वह तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ हो, अब जब वारी आई तो तुम अभिनव के साथ हो। तो कह रही नहीं अभिनव तो मैं, कह रहा राखी तुम साफ बोलो ना भी तुमने अभिनव को सेव किया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने उस पेज फाड़ के मेरे कोई नहीं लिखा, किसी का नहीं लिखा। तो झूठ बोले झूठ नहीं, सीधा बोलो हाँ भी किया, तो कोई बुरी बात थोड़ा इसमें कोई भाई, जिसने सेव करा उसको करना था, अब मेरा नाम है मैं राहुल को सेव करूंगा करूंगा। कह रही हाँ मैंने करा भाई, ठीक है बस, कहता कोई बात नहीं। अर्शी भी यहाँ पे शर्मिंदा हो गई, यहाँ पे इनको पता लग गया कि वो उनको ये करता है, इनको पता लग गया बट अलीगोनी ने जो डस्टबिन में देख लिया पड़ा हुआ ना वो उसका फटे हुए पेज, उससे वो समझ गया अभी इन्होंने सेव नहीं करा, इन दोनों को सेव कर दिया राहुल को, अपना अपना अभिनव को, ये आगे इन्होंने पेज फड़ा नहीं उसका। यहाँ पे अर्शी भी थोड़ी सी शर्मिंदा हुई थी वहाँ पे, और अभिनव भी यहाँ पे निक्की से बातें कर रहा था। अभिनव को भी देखा था थोड़ा झटका लगा, उसको था भी जैसे मेरा नाम अर्शी ने नहीं उड़ाया, अपना राखी ने नहीं उड़ाया, तो भाई ये दोनों तो उड़ा ही सकते थे पर निक्की दोबारा लिख सकती थी, पर निक्की ने दोबारा नाम लिखा नहीं क्योंकि निक्की सबसे एंड में ही थी, निक्की ने राहुल वैद्य को सेव करा। तो जो अभिनव का था कि उसको ये अपना कि निक्की भाई उसका राहुल सॉफ्टवेयर रखती है, निक्की को सब बोल रहा था निक्की तूने उसको किया तो कहती हाँ राहुल को मैं तो मेरे दोस्त है ठीक है। कह रही तू पिछले हफ्ते तो हमसे हमारे साथ राहुल की बड़ी बुराइयां करती थी कि राहुल ऐसा है ये बहुत बुराइयां कर रही थी, अब तू उसे सेव कर रही है। कह रहा मेरी उसे सॉफ्टवेयर मेरी दोस्ती है भी है डी के टास्क में जो भी है बुराइयां हैं जो कर लो, पर भैया मैंने उसे सेव करा तो मैंने उसे सेव किया। तो यहाँ पे अभिनव को भी झटका लगा लगा था कि निक्की ने उसके साथ नहीं दिया, राहुल वैद्य का साथ दिया। अब एंड में राखी और देवलीना बैठे होते हैं पार्क के अंदर, पर राखी भी लगती है देव मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है अभिनव की साइड, अभिनव मेरे को मतलब क्यों नहीं करता, मैं क्या करूँ अभिनव, अभिनव मेरे से बात नहीं कर रहा, वो कह रही मेरा पेचअप करा दो। कह रही देवलीना कहती नहीं हो जाएगा, तू ऐसे जाके बात करना उससे, जाके बोल एक बारी कि भाई अभिनव ये वो। कह रही ठीक है तू ऐसे कर, तू अभिनव बन जा, मैं तेरे को प्रपोज करती हूँ तो तू मुझे बताइयो। कह रहा ठीक है, बहुत खुशी होती है, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तू अच्छा दोस्त है मेरा, मेरा मन ये नहीं था, तू अपनी बीबी के साथ रहा है, मेरे साथ भी रहा है, ये कर वो कर, राखी समझनी शुरू हो जाती है। राखी तो हमारे पागल होकर लगी हुई थी कि भाई तू अपनी बीबी के साथ भी रहा है मेरे साथ भी रहा है, हम दोनों एक दूसरे करते रहेंगे। अभिनव ये देख तू मेरे साथ रखा कर, मैं तेरे से तेरा क्या बुरा है, मैं ऐसी मंशा नहीं थी, मैं तो दो बारी सेव किया, पहले भी करा अब भी करा, तो मैं कहीं ना कहीं तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है तेरी साइड, ये हुआ तो दोनों आपस में डिसीजन करने लगे हुए थे। इस चक्कर बिग बॉस, बिग बॉस कहते हैं तुम्हें एक और टास्क दिया जा रहा है भाई, इस टास्क का नाम रखा कि शेयर मार्केट टास्क था। अब इस टास्क में क्या था कि दो बंदे शेयर ब्रोकर बना दिए गए थे, एक अलीगोनी और एक अभिनव को। तो इन्होंने क्या करना था बाहर भाई अपने सारे जो एरिए घर के एरिया थे वो एरिया डिवाइड कर दिए गए थे, जैसे किचन एरिया दे दिया रुबीना को, इस तरह निक्की को दे दिया, राखी को दे दिया वॉशरूम, सारे एरिया अलग दे दिए थे और सबकी एक एक वैल्यू थी। जब पहली बार बजर बजेगा तो इन दोनों में से किसी ने भी कोशिश करनी है भी वो उस जगह खरीदने की कि मैं जब अपने शेयर्स खरीद लूँ तो वो जगह खरीदूँ मैं, और बाकी जो जिनके नाम पे वो शेयर घर हैं पोर्शंस हैं वो कोशिश ये करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले उनके घर एरिया में बैठे हैं वहाँ पे कि वो अपनी वैल्यू बढ़ाएं उस चीज़ की। अब धागे भी एंड में ये था कि जब एंड का बजर बजेगा तो जिसके पास अली और अभिनव में से जिसके पास भी सबसे ज़्यादा एरिया घर के शेयर्स के होंगे भाई वो जीत जाएगा।
और दूसरा जो घर वाला जिसने अपने जो जगह है अपनी जो सबसे ज्यादा महंगी शेयर्स के अंदर बेची होगी वो जीत जाएगा। तो दोनों विनर हो जाएंगे। फिर दोनों को जब तक घर के अंदर है वो इस वीक के अंदर उनको डेली बाहर से 3 डिशेज आया करेंगी जो वो खाने के लिए, मतलब बाहर से खाना आएगा उनका। और प्लस वो उन आगे आगे किसी एक एक सदस्य को सुन सकते हैं कि जैसे बीबी माओ से उनके हिसाब से 3 3 चीजें जो आइटम्स मिल सके। तो ये टास्क था पूरा टास्क। अभी स्टार्ट होते पहले से प्लानिंग पॉनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे अपना राहुल वैद्य राखी सावंत से बोलता है, भाई राखी तू मेरे बोलती है तो मेरे दोस्तों मेरे पे ट्रस्ट करो, ये वो है। तो ठीक है तूने पिछली बार सेव कर दिया अभिनव को, चलो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अब तूने अली गोनी को जिताना है। तो ये देख ले अगर तू प्रूफ करना चाहती है कि तू हमारे साथ है या तू अपना भाई हमारी दोस्ती दे रहे, तो इस चीज को तू ध्यान रख और तूने अली गोनी को जिताना है यहाँ पे। कह रही हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरी साइड अपना रुबीना भी लगी होती है। रुबीना अपने सारे किचन एरिया समझाती है, कोई किचन एरिया भी नहीं होता है भाई, तुम सारे यहीं बैठो। अर्शी को बोल रही थी यहीं पे बैठो, यहीं पे वैल्यू ज्यादा बनेगी, तो यहाँ से वैल्यू ज्यादा बन जाएगी तो भाई मैं अपना जीत जाऊंगी। तो यहाँ पे अभिनय बोल देता है भाई कोई जीते मैं कोई भी जीतेगा ना तेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जो एक प्लेयर और लेना है जो बीबी माओ से सामान ले सकता है ये कन्फर्म है, रुबीना को नहीं करूंगा मैं तेरे को करूंगा। तो यहाँ पे प्लानिंग पॉटिंग करते करते ही बिग बॉस कल खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा आज यही टास्क कंटिन्यू किया जाएगा जो शेयर मार्केट टास्क के अंदर है। यहाँ पे राखी सावंत फिर वही जैसे कहते हैं ना पलट जाएगी। राखी सावंत परेशान हुई पड़ी है कि वो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट कैसे ढूंढे वो इंटरटेनमेंट कर नहीं पा रही। वो आप फिर अपना अभिनव के पीछे लगेगी, वही उसकी पागले लगते हैं, अभिनव मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो है, तुम मेरे से दूर क्यों जा रहे हो, तेरी बीबी ने मना किया तुम मेरे से बातें मत कर, तेरी बीबी मना करती है मेरे बातें मत कर, वही समझाते हो कि मेरे बातें मत कर, ये कर वो कर। तो अच्छी खासी जैसे कहते हैं भैंसाबाजी यहाँ पे शुरू होती है। और रुबीना तंग हो गई जैसे कहते हैं ना कि तंग हो गई इरिटेट हो गई ना, पानी बाटी लेके सीधा राखी सावंत ने मुंह पे मारती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जैसे कहते हैं बवाल लगने को लगा राखी सावंत का और अभिनव और रुबीना के बीच में जो आज ये चलेगा। और यहाँ पे राखी सावंत एक वर्ड यूज कर दिया अभिनव ने, तू ठरकी है बस भाई, उस पर जो बवाल उठता है कि ठरकी है वगैरह, ठरकी तेरे कहने मतलब कैसे होता है, ये है वो है, राखी तू बदतमीज है, राखी तू हद से बाहर जा रही है, ये है वो है, तुझे सलमान भाई ने समझाया तब भी समझ में तेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे आज राखी सावंत सारी हदें पार कर देगी और सीधा उसमें अभिनव होती है तू ठरकी है यहाँ पे। ओके दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी में बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल कोविड 1। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।